नाज़रीन, मुसाफिरों का मुंतज़िर ये है सराय आलमगीर का रेलवे स्टेशन, जहां पर किसी दौर में यहां से गुजरने वाली ट्रेनों का शोर हुआ करता था, लेकिन आज इस रेलवे स्टेशन पर खामोशी और वीरानी ने डेरे डाल रखे हैं। ये रेलवे स्टेशन अरसा दराज 20-25 साल से बंद है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको बहाल किया जाए। इमरान खान और वज़ीर रेलवे से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो कारोबारी बंदे हैं उनको बड़े दूसरों इलाकों से जाके सफ़र करना पड़ता है। जो कराची या लाहौर या कहीं किसी और शहर में जाते हैं, हमें दूसरों शहर से जाके सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से हमें बहुत मुश्किल हैं। हुकूमत को गुजारिश है कि इन्हें भी बहाल किया जाए स्टेशन। आवाम खज्जल खराब होती है बसा तो कारोबार की तरक्की वास्ते, शहर की तरक्की वास्ते मेहरबानी की जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि इस रेलवे स्टेशन बहाल किया जाए। रेलवे स्टेशन बहाल किया जाए, गरीब लोग जनाब इतने आवन जावन सवारियां मुसाफरों को फायदा हो, हुकूमत को भी फायदा होता है। ये कई 20-25 साल से बंद है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इसको ओपन किया जाए और लोगों की सहूलियात फराहम की जाए। सराय आलमगीर के शहरियों ने यह हुकूमत वक्त से अपील की है कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चलने वाली ट्रेनों के रूट के लिए सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए, ताकि सराय आलमगीर के शहरी भी ट्रेन की सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन इख्तिशाम भट्ट के साथ सैयद कलीम शाह, न्यूज़ अलर्ट, सराय आलमगीर।